और दिल के बारे में बात कर रहे हैं वो टोटली रिजेक्ट होना है, कमेटी का कोई सवाल ही नहीं होता। और जब तक ये परसेंटेज हमारा कुछ सेशन नहीं होगा तो आगे बात करने का सवाल, उसके लिए रीजन ऐसा है कि हम लोग देख रहे हैं आपको कि आईबीए हॉनेस्ट नहीं है, उसका पद के लिए हॉनेस्ट नहीं, इसके लिए नहीं है कि 2% से चालू करने से तमाशा काटने का जरूरत ही नहीं था। उसको मालूम था कि 2% कोई लेने वाला नहीं और 2% से कुछ ये नहीं होता, जब लास्ट 15% दिया था तो लेस देन 15% कोई टैक्स नहीं टेकअप करेगा। जब उसको मालूम है सब कुछ है तो ये तमाशा जो चल रहा है वो मेरे को लगता है कभी ना कभी हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। और खत्म करने के लिए ये है कि वो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि हर एक टाइम में अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट इसके मतलब ये है कि वो लोग बोलते हैं हमारा टाइप क्या होता है ये दिन का दो दिन का, तो वो लोग को लगता है ये लोग टाइप में जाएगा क्या, और जाएगा तो कितना दिन जाएगा। और बैंक एम्प्लॉयज का मेंटेलिटी वो लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोग ट्राई करते हैं तो कोई लोग सेंट्रल ऑफिस में काम करता है बैठता है चलता है, ये सब तमाशा चल रहा है। और ये तमाशा बंद करने के लिए ये है जैसा ये ऑर्डिनरी फैक्ट्री वाले ने इंडिपेंडेंट ट्राइब का डिक्लेयर करके इम्प्लीमेंट करके दिखाया, ऐसा बैंक एम्प्लॉयज का भी एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत सालों साल नहीं हुआ जो अभी जरूरत है, दोनों मैटर में तीनों मैटर में जरूरत है मेरे हिसाब से, वेज डिविजन में जरूरत है, मर्जर में जरूरत है और रिटायर एम्प्लॉयज का जो पेंशन ऑप्टेशन है उसमें भी जरूरत है। तो तीनों इश्यू लेके हम लोग इंडिपेंडेंट ट्राइब में जाने का ही कुछ करना चाहिए, कोई भी ये समझ में आएगा नहीं तो वो लोग समझ में आने का ये नहीं। और हम लोग बोलते हैं कि वो निगोशिएशन में आगे बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज का क्लास 4 एम्प्लॉयज से 1 रुपया तो ज्यादा देना चाहिए, बैंक एम्प्लॉयज का क्लास 4 तो कम से कम इज्जत तो बचेगा, वो भी नहीं हो रहा है ना। हम लोग हर एक टाइम में सेटलमेंट कर रहा है पर उसका बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, सोसाइटी में क्या चलता है वो भी देखना चाहिए और जो हो रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, ऐसा हमारा फर्म ओपिनियन कि ये सेटलमेंट में हम लोग बैंक एम्प्लॉयज को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का आगे तो ला नहीं सकते पर कम से कम नजदीक लाएगा, तो भी मैं सोचता है कि बैंक एम्प्लॉयज को हम लोग कुछ जस्टिस दिया करके होगा, नहीं तो बैंक एम्प्लॉयज को हम लोग कुछ जस्टिस नहीं दिया ये पिक्चर क्रिएट होगा। और ऐसा पिक्चर क्रिएट नहीं होना चाहिए तो इनका फर्म है इसके बारे में, एक तो आप उसके बारे में वंस फॉर ऑल डिसाइड करो, मंडे से सैटरडे से फ्राइडे तक एक 5 दिन का टाइम दे दो और वही टाइम में बोल दो कि हम लोग ये 5 दिन में सेटल नहीं होता तो हम लोग आने वाला दिन में 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद इंडिपेंडेंट हम लोग ट्राइब पर जाएगा। और जब तक हम लोग ये इतना 9-10 लाख बैंक एम्प्लॉयज को साथ में लेके हम लोग इंडिपेंडेंट ट्राइब नहीं कर सकते तो क्या कर सकते। गवर्नमेंट बुलडोजर चला रहा है, वो बोलता है मर्जर, अरे मर्जर का एक कल प्राइवेटाइजेशन का भी वन नाइट में ऑर्डिनेंस आ जाएगा और हम लोग हेल्पलेसली देख के बैठेगा। ये देखने के पहले गवर्नमेंट को बुलडोजर हम लोग चलाना चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर है और देश का इकोनॉमी जो लोग के हाथ में है और इकोनॉमी हाथ में होने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमी का क्या है, इकोनॉमी तो किधर गया तो किसी को भी पता नहीं, 5% GDP है, 3% है, 2% है, मैनिपुलेटेड है और कुछ है वो सब चलते हुए वो उसे जाने से मेरे को लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और लोग भी अभी बहुत तंग आ गए हैं कि हर एक ब्रांच में जो काम का वर्क पे चले उसे उसको 1/4 भी सैलरी नहीं मिलता, सुबह 9 बजे ब्रांच में जा रहा है, 8 बजे जाने का पता नहीं, 9 बजे बंद करने का पता नहीं, 10 बजे बंद करने का पता नहीं। जो रेगुलेटर वर्किंग और खाली बायपार्टाइज सेटलमेंट में 6.5 घंटे का ड्यूटी हाफ एंड आवर लंच टाइम ये खाली दिखाने के लिए है पर एक्चुअली कोई काम बाहर नहीं निकल रहा है और बाहर निकलने के लिए हम लोग कुछ करके दिखाना चाहिए। और हमारा तो फर्म ओपिनियन है ये टाइम में इस पार और उस पार करके हम लोग जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग बचने वाले नहीं, हम लोग खुद ही बचने वाले नहीं, बैंक एम्प्लॉयज नहीं बचने वाले। तो VRS कितना दिन में आता है, जो आदमी बोलता है कोई प्रमोशन लिया वो बोलता है मैं प्रमोशन गलती से लिया, कार का काम बेहतर अच्छा था, मेरे को काम को कॉपअप नहीं हो रहा है, कार बोलता है मेरे को काम को कॉपअप नहीं हो रहा है, 5 आदमी का टेबल का काम 1 आदमी को करने को हो रहा है, तो हम लोग किधर तक जा रहे हैं, हम लोग डे टू डे क्या हो रहा है बैंकिंग में वो तो हम लोग को मालूम है, आप लोग सब जानते हैं, और जानने के बाद भी हम लोग चुप बैठे तो मेरे को लगता है हम लोग को कोई सोसाइटी भी नहीं करेगा। सोसाइटी देखता 82-92 तो 10% बैंक एम्प्लॉयज का ग्रोथ का इम्प्रूवमेंट, आज 1% भी ग्रोथ नहीं है, कितना चला गया उसका पता नहीं,
और वो जो बजट बता रहा है कि 15% 14%, अरे 3 लाख बैंक हम लोग ये 5 साल में निकल गया, उसका बजट किधर गया? उसका भी बात होना चाहिए ना, 3 लाख का कॉम्पेंसेशन किधर, उसका सैलरी किधर गया? वो काउंट होगा क्या? नहीं, वो काउंट फिगर तो दिया उससे, उसमें काउंट तो कर सकता है। तो इसके लिए हमारा इंडिया का फॉर्म ओपिनियन है, ये टाइम में जो होगा यूनाइटेड फोरम जो डिसाइड करेगा उसको इम्पैक्ट सपोर्ट करेगा, पर 1 दिन का और 2 दिन का स्ट्राइक दिया इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं। बाद फ्राइडे जब 5 दिन का फर्स्ट टाइम और इंडिपेंडेंट उसके बाद नहीं होगा, तो हम लोग 2 दिन का और 1 दिन का इम्पैक्ट उसके फेवर में।